वैसे सोच तो रही थी कि नाश्ता मैं ही लेके जाऊं, क्योंकि मेरा बेटा रुखसत होकर आया है यहाँ। लेकिन मैंने जिंदगी शुरू करने का कहा था, खत्म नहीं। नीलम के बगैर मेरी जिंदगी खत्म ही तो होती है। कि असलम की माँ मैं हूँ, तुम बनने की कोशिश मत करना, समझी? एंड बाय द वे, अगर आपको डिटेक्टिव बनने का इतना शौक हो रहा है ना, तो आप अपने बेटे की जासूसी करें। सारी सारी रात भर बाहर होता है वो। अब तो हमारा बेटा भी हमारा नहीं रहा, खाली हाथ रह गए हम दोनों। क्यों खाली हाथ रह गए? मेरा नाम सेठ अफजाल है। इसीलिए रखवाई थी ये शर्तें और हक महल, क्योंकि मैं अफजाल की कमजोरी को अच्छी तरह जानता था कि क्यों उसने हमसे फैमिली टर्म्स बढ़ाए, क्योंकि वो अपना बिजनेस बढ़ाना चाहता। मैंने अपनी मोहब्बत की कुर्बानी सिर्फ आपकी वजह से दी, इससे ज्यादा मुझसे उम्मीद मत रखिए। शादी के फौरन बाद दुल्हन करके सारे काम नहीं करती, शुरू के दिन तो आराम के होते हैं। और मैं ही रहूं तुम्हारा पूरा ससुराल। ये क्या है? ये मैंने पकवान सेंटर के लिए नए यूनिफॉर्म्स बनाए हैं, आप समेत सबके। हम? जी हाँ बिल्कुल, आप और बाकी सब भी यही पहनेंगे अब, क्योंकि क्योंकि हम जो है ना कोई मामूली बावर्ची नहीं है, शाही पकवान के शाही बावर्ची है ना बाजी? हाँ बिल्कुल, ऐसे ही कुछ कहना चाहती थी मैं। चाचा अभी आपकी जिम्मेदारी है कि यहाँ के हर बावर्ची अब यही यूनिफॉर्म पहने, क्योंकि अब हम ऑनलाइन ऑर्डर्स लेते हैं और ये बहुत जरूरी है कि हम ना प्रोफेशनली काम करें, ताकि लोगों पे ना इम्प्रेशन अच्छा पड़े। और बाबा की तरह अब हम खाने के साथ साथ केटरिंग के ऑर्डर्स भी लेंगे और बहुत जल्द इवेंट प्लानिंग भी स्टार्ट करूंगी मैं। ये क्या होता है बेटा? चाचा इसका मतलब है कि हम सिर्फ खाने की नहीं बल्कि शादी की तमाम जिम्मेदारियां अपने सर लेंगे। ये तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। यार इन औरतों की तैयारी। शन्नी भाई आ भी जाओ, इतनी देर लगा दी है, वहां सब नाश्ता वाश्ता सब खल्लास हो गया होगा, बल्कि खाना भी खत्म हो गया होगा, और तुम यहां जब मेकअपों में लगी हुई हो। अरे भाई आज भाभी ने मुर्गे मुसल्लम तैयार किया होगा। आ रही हूँ बब्बन, आ रही हूँ। क्या हो गया तुझे? तुझे ना हर वक्त बस बिल्ली की तरह ख्वाब में छिछड़े ही नजर आते रहते। क्या तरीका है शकूर भाई, क्यों गुस्से चले आ रहा हूँ? वही जो मुझे पहले ही कर देना चाहिए था। हा? एक एक सामान इनका उठाकर गली में फेंक दो और आखिर में इन लोगों को भी। अरे अरे ऐसे कैसे फेंक दो भाई, इस घर के पैसे दिए हमने। क्या हो गया तुमको? अभी एक फोन करूंगी ना तो फौरन पुलिस आ जाएगी। मुझे कानून मत पढ़ाओ आप, पुलिस अगर बुलाओगे उल्टा केस बनेगा तुम लोगों के ऊपर, इसलिए खामोशी से कट लो यहाँ पर। चलो। अरे कैसे चलो अंदर, रुक जाओ। भाई ऐसा तो ना करो यार, मैं अपनी बीवी को लेकर कहाँ जाऊंगा यार, सामान उठा के फेंकवा रहे हो तुम यार। अहमद क्या? अच्छा थोड़ी है। अच्छा जाओ जाके असलम को बुलाओ, बस मैं खाना लगा रही हूँ मेज पे। उसी के साथ बैठी हुई थी, बोल दी अभी आता ही होगा। उसी नहीं कहते, उन्हीं कहते हैं। तुमने कभी मुझे देखा है अपने अब्बू के साथ ऐसे बात करते हुए? सॉरी अम्मी। बेटे अब वो हमारे साथ रह रहा है ना, तो उसकी इज्जत में कोई कमी तो नहीं आ रही ना, रहेगा तो वो तुम्हारा मजाजी है खुदा ही ना। मैं जानती हूँ कि मियाँ बीवी में बेतकल्लुफी बहुत अच्छी चीज है, लेकिन थोड़ा सा इज्जत और एहतराम का दामन हाथ से भी छोड़ना चाहिए।
ठीक है अम्मी, आइंदा ख्याल रखूंगी, दोबारा शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। वो अम्मा बहू घर से बाहर निकाल रहे मकान मालिक। मैं जा रहा हूँ, मैं जा मार। या अल्लाह खैर। जी सर बीबी। जूस कहाँ है मेरा? तुमसे पूछ रही हूँ जूस कहाँ है मेरा? वो मैं किचन में खाना पका रही थी। किसने बोला तुम्हें खाना बनाने के लिए, जब मैंने तुम्हें कहा है कि जूस बनाओ? क्या हुआ है सारा, कोई काम था इससे? मेरे सामने अनजान बनने की जरूरत नहीं है, जबकि आपने इसे अपने कामों में लगा के रखा हुआ है। सारा बीबी, मैं ऑरेंज जूस लेकर आई थी लेकिन आपने दरवाजा नहीं खोला। ओह, तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैं बहरी हूँ? तुमने दरवाजा बजाया और मैंने सुना ही नहीं, झूठ बोल रही हो मुझसे। वो सारा बीबी, बस करो फरजाना, जाओ जाके सारा के लिए जूस बना के लाओ। जाओ बेटा तुम अपने कमरे में। मैं क्यों जाऊँ अपने कमरे में? ये मेरा भी घर है जहाँ दिल करेगा घूमूंगी। और बाय द वे, आपको इतना स्वीट सास बनने की कोई जरूरत नहीं है। जूस बनाओ मेरा जाके। बड़ी बेगम साहबा, ये क्या बुला ले आई आप? चुप करो, बुरी बात है, चल जाके तुम अपना काम करो। चाचा, क्या बातें तुम्हारी हैं, पहचानने में नहीं आ रहे हो? बिल्कुल बदल गए हो भाई, वही पुराने वाले शहजाद चाचा हो ना? सच कह रहे हो? और नहीं, क्या मैंने कभी झूठ बोला है? वैसे बिट्टू, कम तो तुम मिल लग रहे हो। ऐसा करते हैं, नीलम प्रिया को दिखाते हैं। चलो। नीलम बिटिया, हम कैसे लग रहे हैं? माशाल्लाह बहुत अच्छे। लेकिन एक मिनट, अब बिल्कुल परफेक्ट है। ओ जी, कौन है आप? ऐसे अभी सीधा मुंह उठाकर, तुम ये कैमरा वगैरह उठा के ना निकलो ऐसे किसी के ऑफिस में, ऐसे घुसते चल चल निकल जाते। मिट्टू, इन्हें मैंने बुलाया है, मुझसे परमिशन लेकर आए। पर ये लोग हैं कौन? हम लोग एक्सप्रेस न्यूज चैनल की जानिब से आए हैं। वुमेन एम्पावरमेंट पे एक स्पेशल शो हो रहा है जिसके लिए हम नीलम फैज अली की स्टोरी को कवर करना चाह रहे हैं। मैम से पहले परमिशन ले चुके हैं। कुछ समझ तो नहीं आया, पर लगता है कुछ अच्छा ही होगा। आप प्लीज बैठिए। मैम, आप तीनों का एक शॉट लेना चाहूंगी मैं पहले। अगर खाली शकूर भाई, अब इस कबाड़ का क्या करें, फेंक दे? रुक जाओ जरा। हाँ भाई, इज्जत से उठ जाओ वरना सामान की तरह बाहर फेंक दिए जाओगे। फेंक दो भले से, मैं नहीं जाने वाला यहाँ से। हाँ, हमारा घर है ये, मैं पैर जमा के बैठ जाऊंगा जमीन पे। ऐसे कैसे नहीं निकलोगे, चलो जल्दी निकलो। हाँ बबन, सही है सही है, तू जमीन पकड़ के बैठ अच्छी तरह। भाई मैं तो चली शराफत से। शनी, अरे
शाबाश तू ले जा इनको साथ अपने। मैंने फलाही इदारा नहीं खोल रखे इन जैसे कुछ बेटियों को रखने के लिए। अच्छा अच्छा आ जाना घंटे बाद, शोर नहीं करो दादा, चलो यहाँ से। आ रहा हूँ मैं एक घंटे में, घर खाली चाहिए मुझे। हाँ देख ले घंटे बाद, चलो यहाँ से। चलो चलो ठीक है आ जाते। हेलो हाँ राजू, बात सुन, सुजुकी लेके घर पहुंच फौरन। अरे आ तो बताता हूँ, आ जा। अम्मा हेलो। हाँ हाँ ऑल सेट फॉर टुडे। रिस्ट्रिक्शंस, इस घर में किसी की इतनी औकात ही नहीं है कि मुझे रोक सके। हाँ हाँ हसाम को कह देना कि मुझे पिक कर ले। और हाँ आज की पार्टी मेरी तरफ से, कुछ नहीं सुनूंगी मैं। चलो ओके बाय। जेलिस हो रहे हो, बुरा लग रहा होगा ना। हाँ लग रहा है, बहुत बुरा लग रहा है। तुम्हारा लहजा, तुम्हारे अल्फाज और तुम्हारी शक्ल। और कुछ सुनना चाहोगी? बल्कि अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। सारा करीम को ऐसे लोगों के सामने रहकर और अपनी जिंदगी एंजॉय करके बहुत मजा आता है जो कि उसे सख्त नापसंद करते हो। गो टू हेल। नाजरीन, आज की हमारी हैरत कहानी है पापोश नगर की नीलम फैज अली की। जो अपने महदूद वसाइल में रहते हुए एक ऐसी फील्ड में अपना नाम रोशन कर रही हैं जहाँ पे औरतों की नहीं मर्दों की इजारादारी है। नीलम फैज अली अपने शाही पकवानों से लोगों के दिल जीत रही हैं और कामयाबियां समेट रही हैं। तो आइए मिलते हैं पापोश नगर की नीलम फैज अली से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नीलम फैज अली है और एक्चुअल में तो ये पकवान सेंटर मेरे बाबा की निशानी है और ये सारी रेसिपीज भी मेरे बाबा की ही है। मैं और क्या बोलूँ। मैम आपको किस तरह ख्याल आया पकवान सेंटर को कंटिन्यू करने का? एक्चुअली मेरे बाबा के इंतकाल के बाद कोई ऐसा शख्स चाहिए था जो बिल्कुल वैसे ही जिम्मेदारी निभा सके जैसे मेरे बाबा निभाते थे। मेरे बाबा का ये सपना और ख्वाहिश और उनकी जान था ये पकवान सेंटर, तो मुझे बस यही लगा कि मेरे से बेटर ये जिम्मेदारी कोई और नहीं निभा सकता। मैंने कंटिन्यू किया और अल्लाह का शुक्र है कि इन सब की हेल्प के साथ मैंने इस चीज़ को अचीव किया और आज अल्लाह का शुक्र है इतनी इज्जत है। मैं आपको क्या क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ा? जैसे कि आप जानती हैं हमारे माशरे में ख्वातीन का घर से बाहर निकलना ही एक बहुत बड़ा इशू बना लिया जाता है इस चीज़ को। अगर आपके कोई सपने हो उसको कोई पूरा नहीं करने देता। यहाँ पे अभी भी कुछ जगहों पे कुछ चीज़ों में हमें उस तरीके का फ्रीडम नहीं है, तो बस अपने आप को मनवाने में थोड़ा सा टाइम लगा। और मैं सिर्फ वहाँ बैठी ख्वातीन जो भी मुझे देख रहे हैं उनसे यही कहना चाहती हूँ कि एक बेटी भी किसी बेटे से कम नहीं है।
अगर आप कुछ अचीव करना चाहती हैं अपनी फैमिली के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना चाहती हैं तो जरूर करें। मैं बस अपने बाबा के लिए शान और फख्र बनना चाहती हूँ। नाजरीन, ये थी इस मुल्क की बाहिम्मत खातून नीलम फैज अली। अब आप मुझे इजाजत दीजिए, कैमरामैन बिलान अहमद के साथ उस्मान शेख, एक्सप्रेस न्यूज। क्या फजूल बकवास लगा रखी है अफजल, बंद करो इसको। क्या घटिया पब्लिसिटी है ये? डैड नफरत की इंतहा पर है मोहन, और नफरत में इंसान को कुछ समझ में नहीं आता। अफसाल आपने बस प्लीज अब फजूल लेक्चर मत देना शुरू कर देना मुझे, पहले बहुत स्ट्रेस में हूं मैं। बकायदा प्लानिंग से आया, हमारा कोई भी दिन सुकून से नहीं गुजरने वाला। अरे कोई प्लानिंग नहीं है, मैं खुद वहां पर मौजूद था, मकान मालिक ने धक्के देके निकाला है अम्मा अब्बा को। क्या हुआ बबन भाई, क्या हुआ खैरियत? भाभी मत पूछो, अरे जलील करके रुसवा करके निकाला है महल्ले से। मुझे भाभी कितनी बेइज्जती हुई है हमारी, मैं तो कहती हूँ इस बेइज्जती से बेहतर है अल्लाह हमें उठा ले, अल्लाह की जमीन ही तंग हो गई हम पे तो। अच्छा अच्छा रो नहीं, आओ आओ, आओ शनि बैठो मेरे साथ इधर आके, आए बबन भाई बैठे, जाओ उसको पानी लेकर आओ। चाचा चाची देख बस यार गाड़ी में सामान आ गया होगा, वो ले आ जाकर जल्दी से। आपको नहीं पता सुरैया वाजी कितनी बेइज्जती हुई हमारी, उन्होंने मेरे बबन को उठा उठा के फेंका, इतना मारा पूरे मोहल्ले में तमाशा लगा हुआ था, सब देख रहे थे। अब बताएं मेरा बबन उस दिन भी इतना पिटा था ना, जब सोना चोरी हुआ था, सेक चोरी हुए थे, आज उन लोगों ने उसको कूद दिया, खुदा गारत करेगा उन लोगों को। लाते मारिए लाते मारिए। ऐसा हाथ मोल रहा है कब्बक्त, भाभी ईमान से भाभी ये कोरमा खा के हाजी भाई याद आ गए, ये पकवान सेंटर का कोरमा अपने सामने कलौंजी डलवाते थे, ईमान से अगर आप ना होती ना तो हम तो आसमान तले भूखो पेट पता नहीं किसके किसके उसमें पड़े हुए होते। ऐसे कैसे आसमानों तले भूखे पड़े होते, अल्लाह के भी हर काम में मसलहत होती है, वो एक माँ को उसके बेटे से ज्यादा दिन दूर नहीं रख सकता। अल्लाह को मेरे आंसू पसंद आ गए जो उसने सुन ली, थोड़े से दिन मुश्किलों गुजर गए, अब अल्लाह ने सबब पैदा कर ही दिया अपने बेटे के साथ रहने का। अल्लाह, अरे भाई ऊपर दो कमरे हैं, एक कमरे में हम बूढ़ा बूढ़ी पड़े रहेंगे क्यों असलम? अरे अब क्या जवान बेटे के होते हुए बूढ़े माँ बाप सड़कों पे धक्के खाएंगे क्या? हाँ हाँ ठीक कह रही हो अम्मा, मेरे होते हुए और कहीं नहीं जाओगे तुम लोग। हाँ शनि बहन हम हैं ना, परेशान होने की कोई बात नहीं। अच्छी तरह मेरा बच्चा। अरे नीलम बेटिया ये तो पता ही नहीं चला तेरे चाचा पर क्या कहर नाजिल हुआ, पता ही नहीं चला।
अरे बैठ जाओ सुकून से, क्यों हलकान हो रही हो? कैसे बैठ जाऊं सुकून से? मेरे दिल में इसी बात का डर था कि ऐसा ही कुछ होने वाला है। चच्ची हमें सुकून से रहने दे, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं तुम्हें बता रही हूँ असलम, ये लोग बकायदा प्लानिंग से आए हैं। हमारा कोई भी दिन सुकून से नहीं गुजरने वाला। अरे कोई प्लानिंग नहीं है, मैं खुद वहां पर मौजूद था। मकान मालिक ने धक्के देके निकाला अम्मा अब्बा को, बहुत बेइज्जत किया उन्होंने। ठीक है निकाला होगा, लेकिन मैं चच्ची के साथ नहीं रह सकती। तुम उनको अच्छी तरह से जानते हो, जीना हराम कर देंगी हमारा, एक दिन भी सुकून से नहीं गुजरने वाला। मैं जानता हूँ, पर वो माँ बाप है मेरे, उनके पास रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं। अगर मैं भी उनको इस तरह निकाल दूंगा तो इसमें तुम्हें मेरा साथ देना हो, मुझे तुम्हारे साथ की सख्त जरूरत है। ठीक है असलम, मैं तुम्हारा साथ दूंगी, लेकिन याद रखना मेरा ये साथ देना हमारे रिश्ते के खत्म होने की वजह ना बन जाए। अल्लाह ना करे कैसी बातें कर रही हो तुम, हमारा रिश्ता खत्म होने के लिए नहीं बना है। हाँ हाँ हाँ, मैं बस आ रही हूँ बाहर। क्या हुआ? लगता है आगा से बात करनी पड़ेगी। क्यों, किस बारे में? वक्त देख रहे हो, रात के 11 बज रहे हैं, और यूं एक गैर मर्द के साथ उठ के चले जाना तुम्हें ठीक लग रहा है? आप कब से इतने कंजर्वेटिव हो गए? आपको तो ये सब कुछ बहुत नॉर्मल लगता था ना? तंज कर रही हो मुझ पे? तंज नहीं कर रही, सिर्फ आपको बता रही हूँ कि आपको तो ये सारी चीजें बहुत पसंद थी, तो शिकवा किस बात का? और आपने सारा का इंतखाब जानबूझ कर किया। मैं कुछ बातों से लाइल्म था, पर अगर ये मामला यूं ही चलते रहे तो मजीद खराबी की तरफ जाएंगे। देखो साद और सारा के रिश्ते का अच्छे से कायम रहना उनके लिए हो ना हो, लेकिन हमारे लिए बहुत जरूरी है, इसलिए आगा से बात करनी पड़ेगी। और शादी के बाद तो उसने आंखें ऐसी बदली हैं कि जैसे जानता ही नहीं। हम हैं यहाँ उसकी बेटी की मनमानी बर्दाश्त करते फिर रहे। ठीक है हम साल, अगर आपको लगता है कि बात करने से कुछ फर्क पड़ेगा, हालात बेहतर होंगे, हम बात करके देख लेते हैं। लेकिन बात हमें आगा साहब से नहीं, ठीक है जो तुम्हें मुनासिब लगे, क्योंकि मैं अब इस मामले को मजीद टॉलरेट नहीं कर सकता। जहां तक टॉलरेट करने की बात है तो अब इसके अलावा हमारे पास कुछ चारा नहीं। अफजल अगर आप चाहते हैं कि बिजनेस, घर, पैसा आपके हाथ में रहे, तो हमें सारा को बर्दाश्त करना होगा, सारा को भी और उसकी हरकतों को भी। आप प्लीज उन्हें कह दें कि एक दो दिन में नपरा देख लें, इससे ज्यादा मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ इस घर में। क्या कह रही हो बेटे? लहीम शहीम मुस्टंडे गुंडे लेकर आया था, मार मार के मेरा भुरकस निकाल दिया। कोई मेरी आंखों में उंगलियां घुसेड़ रहा है, कोई बाल नोच रहा है, किसी ने मेरी कोई इज्जत नहीं की। एक ने तो मुझे बहुत मोटी सी गाली देकर दीवार पे देकर मारा, दूसरे ने फिर एक गाली दी, फिर मुझे बाहर उठा के फेंक दिया। मुझे तो ऐसा लग रहा था शर्मी, ऐसा लग रहा था जैसे मेरी हड्डियों का सुरमा बन जाएगा। अच्छे हुआ जो भी वो सुरमा लगाता फौरन ही अंधा हो जाता। हाँ भाई उड़ा लो मजाक, तुम्हें तो किसी ने कुछ कहा नहीं ना, तुम तो मौका देखकर फट से निकलनी वहां से, ये ना हुआ कि शौहर की ढाल बन जाती। आ,
क्यों क्यों बन जाती है मैं शौहर की ढाल? जैसे तुम्हें कूटा है, तुम्हें बचाने आती है तो मुझे भी कूटते वो। अरे तुमसे कहा किसने था कि जमीन से लिपट के बैठ जाओ? सामान तो वो बाहर फेंक ही चुके थे, खुद भी शराफत से बाहर आ जाते। लेकिन देखो एक बात अच्छी हो गई, हमारी सोच पूरी हो गई, जहाँ आना चाहते थे ना वहाँ हम आ गए, अब बस ये अच्छी बात हो गई। तुम तो ऐसा कह रही हो शन्नी जैसे किसी क्रेन ने या किसी ने आराम से उठाकर हमें वहां से यहाँ रख दिया हो। खुद तुम्हारे सामने किस कदर जलील किया है शकूर ने, बयाना खा गया, मुझे इतना पीटा, लातों तक से मारा, यहाँ लात मारी, यहाँ गर्दन पे लात मारी, इतना नुकसान हुआ है हमारा। अरे कोई बात नहीं, नुकसान हुआ तुम देखना तो जरा, अपना सारा नुकसान सूद समेत मैंने वापस ना लिया ना, मेरा नाम भी शन्नी नहीं है भाई। जबान पे मिठास रख कर काम करना, अब कम से कम मुझ में इतनी ताकत नहीं है कि मैं किसी का मुकाबला कर सकूं। नहीं नहीं, मैं मुकाबला नहीं कर सकता। मिठास जबान पे रखो और काम करो, मीठी छुरी से ज्यादा बड़ा कोई हथियार नहीं होता शन्नी बेगम। कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग भी हमें उठा के यहाँ से बाहर फेंक दें। ऐसे कैसे बाहर फेंक देंगे भाई, बेटे की माँ हूँ, इस घर पे अब मेरा हक है, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी, बाहर तो अब ये लोग निकलेंगे देखना तुम। शन्नी शन्नी जरा सा बाजू दबा दो, बहुत दर्द हो रहा है। बात सुनो, मेरे हाथों में इतना दम नहीं है कि मैं बैठ के तुम्हारे हाथ पैर दबाऊं। हाथ पैर दबाने हमें पास की खत्म नहीं होती इस आदमी की। अम्मी अभी क्या नया तमाशा, बबन चाचा शन्नी से अभी तो जान छूटी थी और फिर आ गए ये लोग जिंदगी जीरन करने। आपको पता है ना शन्नी चाची का किसी को सुकून से नहीं रहने, कैसे करेगी इसमें मैनेज, नाक में दम कर देंगी उसके। मैं अच्छी तरह जानती हूँ नीलम, मैं अच्छी तरह जानती हूँ, मुझसे बेहतर कोई जान सकता है शन्नी को। अम्मी आप प्लीज उन्हें कह दें कि एक दो दिन में अपना देख लें, इससे ज्यादा मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती उन्हें इस घर में। क्या कह रही हो बेटे, ऐसे कैसे कह सकते हैं हम उन्हें, पहले की बात कुछ और थी, अब ये अस्मा के ससुराल का मामला है और मत भूलो कि वो असलम के माँ बाप है। अभी कुछ दिन सब्र से काम लेकर जैसे तैसे उन्हें बर्दाश्त करना पड़ेगा, फिर देखते हैं ना आगे क्या करना है। अम्मी आपने पूरी जिंदगी सब्र किया है ना, अब असमा की बारी है, लेकिन अम्मी हम आप जैसे सब्र नहीं कर सकते, किसी के मुंह से कुछ गलती से निकल गया ना तो मामला और खराब हो जाएगा। आप प्लीज बात करें उनसे, मुझे नहीं पता। मैं मोहब्बत के रास्ते में घुसने निकला, जिस वक्त मुझे सबसे ज्यादा तुम्हारे साथ होना चाहिए था उस वक्त ही मैंने तुम्हें तन्हा छोड़ दिया, अकेले जमाने की ठोकरें खाने के लिए। जो शादी से पहले ही किसी और लड़की के इश्क में मुब्तला है और आप लोगों ने उसे मेरे सर पर मुसल्लत कर दिया सिर्फ और सिर्फ हमारी दौलत की लालच में। तमीज से बात करो लड़की।
अरे जीती रहो बेटा, ये गरम गरम पराठे, ये चने, चाय, बहुत दिन हो गए ऐसे खाए, ये तो शेर हो गया भाई। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे मैंने कभी अच्छा नाश्ता तुम्हें कराया ही नहीं। मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा बेगम। सखे बेटा, क्या जरूरत है तुम्हें नाश्ता बनाने की, मैं उठती तो मैं खुद बना लेती। अरे चाची, आप खुद क्यों बनाती, आप तो हमारे घर में मेहमान है ना, और मेहमानों की खिदमत करना तो नेक काम होता है। अरे बेटा, माँ बाप जो होते हैं अपने बेटे के घर में कोई मेहमान मेहमान नहीं होते। और शन्नी तुम मेरी एक बात सुन लो, मेरी इस बच्ची के हाथों पे छाले नहीं पड़ने चाहिए काम करते हुए, सारी जिम्मेदारी इस पर ना दे देना। हाँ, खुद भी कुछ हाथ वाथ बटा देना इसका। हाँ हाँ, वैसे मेरे इन बूढ़ी हड्डियों में ना इतना दम नहीं है अब, लेकिन फिर भी करा लूंगी साथ काम। चाचा कुछ और चाहिए आपको? नहीं बेटा, बस दोपहर में कोई एक आध दफा चाय बना देना। जी जरूर। कितनी अच्छी बच्ची है ईमान से यार। इससे कह रहे थे कि मैं मीठा लहजा अख्तियार करूं, है चुप घुन्नी और जहरीली लड़की के साथ कह रही है हम इसके घर में मेहमान है। बताओ अपने बेटे के घर में मेहमान हो गए। अच्छा अच्छा छोड़ो ना, नाश्ता करो, ठंडा हो रहा है भाई। जी जी, आप बेफिक्र रहें, आपका ऑर्डर टाइम पे पहुंच जाएगा। जी जी, शुक्रिया। जी जी, हाजी पकवान सेंटर। जी जी बिल्कुल, आपका ऑर्डर कंफर्म है, आपको टाइमली डिलीवर हो जाएगा। जी, ऑन द वे है। जी जी, शुक्रिया। बेटा टीवी वाली बात तो वाकई जादू हो गई। बट टीवी पर देखने के बाद हमारे पास कितने ऑर्डर आ रहे हैं। बस चाचा, अल्हम्दुलिल्लाह, बल्कि अब हमें अच्छे लेवल पे काम करना होगा। ऑनलाइन के सारे ऑर्डर्स के लिए मैंने एक इलाके में बहुत अच्छा ऑफिस देखा है, अब हम सारे ऑनलाइन ऑर्डर्स वहीं लेंगे। अब बाजी, लेकिन इस पकवान सेंटर का क्या होगा फिर? यहाँ पे सारा काम वैसे ही चलता रहेगा जैसे चल रहा है, इंशाल्लाह। अम्मी, आप दिनों की बात कर रही हैं, मेरे लिए उन्हें बर्दाश्त करना एक लम्हा भी मुश्किल है। मैं नहीं रह सकती उनके साथ, उन्होंने जिद करना शुरू कर दिया मुझे, और अगर गुस्से में आकर मैंने बदतमीजी कर दी ना तो आप मेरे से नाराज हो जाएंगे। अस्मा, क्या हो गया है तुम्हें? मैंने तुम लोगों की तरबियत ऐसी तो नहीं की कि बड़े छोटे की तमीज ही भूल जाओ तुम लोग। वो लोग सिर्फ जबानी तौर पर बड़े हैं, हकीकत में इंतहाई छोटे, और आप बहुत अच्छे से वाकिफ हैं इस बात से। मैं जानती हूँ, वो जैसे भी है ना तुम्हारे शोहर की जन्नत है, और इस ताल्लुक से तुम पर लाजिम है कि तुम उनकी इज्जत करो, और अगर वो खुद अपनी इज्जत ना करवाना चाहे तो फिर भी तुम कोई गलत बात नहीं करोगी। असलम है ना, वो अच्छे से जानता है कि उनसे किस तरह से बात करनी है, कैसे हालात को संभालना है। बस तुम्हें बुरा बनने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, और यही बात मैं नीलम को समझा समझा के थक गई हूँ कि भाई कुछ दिन के लिए सब्र कर लो, फिर देखते हैं कि क्या करना है आगे। ठीक है अम्मी, कुछ दिन का मतलब है कुछ दिन, इससे ज्यादा नहीं। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, तुम भी अपने गुस्से पर जरा कंट्रोल करो, अभी तो तुम जाओ ना, वो कहीं ये ना समझें कि तुम मेरे पास शिकायत लगाने आई हो। वो शायद नहीं, वो यही समझेंगे, इसलिए जा रही हूँ मैं। देखिए भाभी, हमें अच्छा तो नहीं लग रहा था इस तरह यहाँ आकर आपसे सारा के मुतालिक बात करना, लेकिन आप तो जानती हैं कि ये मामला कितने नाजुक होते हैं, और अगर लड़कियां शादी के बाद इसी तरह अपनी मनमानी करती रहेंगी तो मामला तो ठीक होने के बजाय मजीद खराब हो जाएंगे। मुझे अंदाजा है सबाहत भाभी इस बात का, लेकिन उस दिन साथ का रवैया भी तो ठीक नहीं था ना। सॉरी टू से भाभी, निकाह के मौके पर जो कुछ हुआ उसके बाद साथ का रवैया नेचुरल था। अब महर के नाम पे जो हमारे साथ मजाक किया गया उसे नजरअंदाज करना इतना आसान नहीं है, और आप तो शुक्र करें कि ये सब कुछ होने के बाद भी साद ने सारा से निकाह करने पे रजामंदी जाहिर कर दी, क्योंकि तुम्हारे बेटे की इतनी औकात नहीं थी
कि आगा करीम की बेटी के साथ निकाह करने से इनकार कर सके। ये क्या बात कर रहे हैं आगा साहब? सही कह रहे हैं डैड, आप लोगों को शर्म नहीं आई मेरी शिकायत लेकर मेरी मॉम के पास पहुंच गए? अपने बेटे की हरकतें नहीं पता आप लोगों को, जो शादी से पहले ही किसी और लड़की के इश्क में मुब्तला है, और आप लोगों ने उसे मेरे सर पर मुसल्लत कर दिया सिर्फ और सिर्फ हमारी दौलत की लालच में। तमीज से बात करो लड़की, बहुत बर्दाश्त कर लिया तुम्हें। अपनी औकात में रौजान, किस लहजे में बात कर रहा हूँ मेरी बेटी से? बर्दाश्त तो हम तुम्हें कर रहे हैं तुम्हारी तमाम नीच हरकतों के बावजूद, वरना तुम जैसे तो दो चार मेरे घर पर मेरे तलवे चाटने के लिए बैठे हुए होते हैं जिन्हें लात मार के निकाल देता हूँ। ये मत भूलो कि उन्हीं दो चार लोगों का पैसा हजम करके तुम यहाँ तक पहुंचे होगा, वरना तुम में और तुम्हारी बेटी में सिवाय बदज़बानी के कोई गुण है ही नहीं। बकवास बंद करो। ये आप लोग किस तरह बात कर रहे हैं? बैठकर बात करते हैं ना। तुम चुप रहो। ये लोग इस काबिल नहीं है कि इन्हें घर में बैठा कर बात की जाए। जब अपना मतलब था तो हमारे आगे पीछे फिरते थे, और मतलब निकल जाने के बाद हमें ही आंखें दिखा रहे हैं। और मैं भी तुम जैसे अपनी बेटी को बेचने वाले के यहाँ बैठना अपनी तोहीन समझता हूँ। शट अप, दफा हो जाओ यहाँ से, वरना धक्के देके बाहर निकलवा दूंगा। अफजल साहब चलें यहाँ से, बहुत हो गया, चलें। आहा, ये क्या कर रहे हैं आप? भाभी रुक जाए, भाभी। क्या सारे किचन को तुमने फैला के रखा हुआ है? सलीकामंद और सुगड़ बच्चियां ऐसे थोड़ी रखती हैं किचन को। ये तो उनको सोचना चाहिए कि वो लोग मुझे कैसे फेस करेंगे। हम चाहे उन्हें जितना भी जलील कर लें, वो लोग कुछ नहीं कर सकते। माना बहुत बुरी हूँ, गुनाहगार हूँ, पर इसका मतलब ये थोड़ी कि अरबत्ता आके मुझे धुतकार के चला जाए। अम्मा परेशान मत हो, मैं बात करूंगा ना आसपास से। अब मैं उसको उसी की जबान में जवाब दूंगा, चाहे मेरा सब कुछ बर्बाद क्यों ना हो जाए। तमाम उम्र तुम और चाचा होटल या मेरी माँ के हाथ के पके हुए खाने खाते रहे हो, और वो आज मुझे ही तरीका सलीका सिखा रही हैं। नहीं जाना चाहिए था, क्या हो गया? आप लोगों को पता नहीं कि वो कैसे लोग हैं? हर इंसान की इज्जत अपने हाथ में होती है।